समय के साथ परिवर्तन की प्रक्रिया में हमें भीतर की बातों के ऊपर अधिक ध्यान देना है। हमारी इनर मैकेनिज्म्स जो डिस्टर्ब हो गई है ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जाने से, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अपने हाथ में वो चार्ज लेना होगा। ये नहीं कि परिस्थिति हमें कंट्रोल करे। आज जैसे व्यक्ति सुबह उठता है, अच्छे मूड में है, किसी ने आकर कोई समाचार उसे दे दिया, एक्साइट हो जाता है। एक घंटे के बाद किसी ने और बातें सुना दी, अपसेट हो जाता है। और एक घंटा बीता, किसी ने कुछ कह दिया, खुशी की बात होती है तो खुशी महसूस होती है। एक घंटे के बाद और किसी ने कुछ कह दिया, माइंड डिस्टर्ब हो गया। यानी घंटे घंटे पर मनुष्य की मन की स्थिति बदलती जाती है और परिस्थिति, लोग हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए ये कॉन्सिक्वेंसेस हम समझ ले कि माय मूड्स, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द पैटर्न ऑफ थॉट्स आई क्रिएट। सो टू चेंज माय मूड और पर्सनालिटी, आई हैव टू चेंज माय पैटर्न ऑफ थॉट्स। ये कॉन्सिक्वेंस है। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि किस प्रकार हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आवश्यक है। हमारी क्षमताओं के विषय में, हमारी इनर मैकेनिज्म्स के विषय में हमें समझ होना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से ही हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि वो क्षमताएं हमारी किस दिशा में जा रही है या कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, क्या हमारा कंट्रोल उसके ऊपर है। उसी के माध्यम से हम सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप कर सकते हैं और वो सेल्फ रिस्पेक्ट से ही सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर आ। जैसे आजकल की दुनिया के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज होती है, वो रिचार्जेबल बैटरीज जैसे हम यूज करते जाते हैं डिस्चार्ज हो जाती है, फिर उसको चार्जर में रखते हैं और जैसा चार्जर होता है वैसे चार्जर में डालने से, सोर्स के साथ कनेक्शन देने से जब करंट फ्लो होता है तो रिचार्ज हो जाती है। अब ये डिस्चार्ज और रिचार्ज कैसे होती है, उसके पीछे एक सिंपल साइंटिफिक प्रिंसिपल है और वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है कि जो उसके भीतर केमिकल कंपोनेंट्स है वो केमिकल कंपोनेंट्स यूज करने से डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और इसीलिए जब चार्जर में डालते हैं तो चार्जर में डालने से वो करंट यानी शक्ति मिलने से वो केमिकल कंपोनेंट्स रीऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। एंड ये रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को कहा रिचार्ज हो गया। इसी तरह हमारे भीतर मैकेनिज्म्स भी टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है। आज हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, महसूस कुछ और करते हैं, भावनाएं कुछ और उत्पन्न होती है, करते कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, माना कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, टोटली डिसऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि भीतर शक्ति नहीं है। मेडिटेशन इज द चार्जर, और मेडिटेशन में बैठने से चार्ज नहीं हो जाते, परंतु वो सोर्स के साथ हमें भी अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है। और वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, उसकी परख क्या कि हमारे भीतर की सिस्टम भी रीऑर्गेनाइज्ड होने लगती है। हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारी भावना, हमारे फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है, एक अलाइनमेंट में आने लगता है। उसी को कहा जाता है सेल्फ मैनेजमेंट, जिससे एक इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट और हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो मेडिटेशन आज के युग में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसीलिए जापानीज लोगों ने भी मेडिटेशन को अपने मैनेजमेंट सिस्टम में अडॉप्ट किया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने देखा है। लेकिन कई बार सुनते हैं कई लोगों से, कहते हैं मेडिटेशन तो करते आ रहे हैं लेकिन फिर भी कोई चेंज
इतना महसूस नहीं होता है। हाँ, उस समय जब मेडिटेशन करते हैं उस समय एक पीस ऑफ माइंड, एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, लेकिन उसके बाद फिर से भावनाएं हमारी डिस्टर्ब हो जाती है और दूसरे लोग हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को कंट्रोल करने लगते हैं। तो मेडिटेशन इज नॉट इनफ, लेकिन मेडिटेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल विजडम इज एसेंशियल फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। जब तक सेल्फ एम्पावर नहीं किया तब तक मेडिटेशन उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। जैसे ये शरीर को भी दो चीजें आवश्यक है, आराम भी चाहिए और भोजन भी चाहिए। अगर आराम कर लिया भोजन नहीं लिया तभी भी ठीक नहीं है, भोजन ले लिया आराम न लिया तभी भी ठीक नहीं है। दोनों बराबर मात्रा में चाहिए, नहीं तो कमजोरी आने लगेगी। अगर एक है दूसरा नहीं है तो कमजोरी आ जाती है। इसी प्रकार माइंड को भी दोनों चीज चाहिए, स्पिरिचुअल नरिशमेंट एंड रिलैक्सेशन। सो मेडिटेशन इज रिलैक्सिंग द माइंड, लेकिन रिलैक्सिंग काफी नहीं है, नरिशमेंट भी प्रॉपर जरूरी है। अगर स्पिरिचुअल नरिशमेंट नहीं है माइंड के लिए तभी भी हम अपनी कार्य क्षमता को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन का रोल हमारे जीवन में वैल्यू सिस्टम को अवेकन करने के लिए क्या है, मूल्यों को किस आधार पर हम अपने जीवन में ले आ सकते हैं। तो मेडिटेशन इज अ ट्रेनिंग दैट इज गिवन टू द कॉन्शियसनेस। जो हमारी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, उसको ट्रेनिंग दी गई है। दूसरा, मेडिटेशन इज अ डिसिप्लिन बिकॉज इट इज अ रेगुलेटेड एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन भी कैसे आती है, सेल्फ अवेयरनेस से। विदाउट सेल्फ अवेयरनेस वी कैन नॉट डिसिप्लिन। अगर हमें मालूम नहीं है क्यों करना है क्या करना है, कर नहीं सकते हैं। तीसरा, इट इज अ सिस्टमेटिक मेथड बिकॉज रिकलेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन आर यूज इन इट्स प्रैक्टिस। और चौथी बात, इट इज अ मेंटल प्रोसेस इन विच थिंकिंग एंड इंट्यूटिटिव परसेप्शन टेक्स प्लेस। अर्थात हमारा लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन दोनों ही बैलेंस हो जाता है। आज की दुनिया में हमारा लेफ्ट ब्रेन अधिक चलता है, लॉजिकल एंड रैशनल ज्यादा बन गए हैं, लेकिन इंट्यूशन बहुत कम काम करता है। इमोशनल एस्पेक्ट जो है ये इनबैलेंस हो गया है। और पांचवी बात, इट एनेबल्स द माइंड टू बी चैनलाइज्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। इसीलिए मेडिटेशन की व्याख्या किसी ने बहुत सुंदर की है, द गैदरिंग ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड द डिस्पेलिंग ऑफ इग्नोरेंस। क्योंकि बिना सेल्फ नॉलेज, बिना स्पिरिचुअल विजडम के वो इग्नोरेंस दूर नहीं होता है और मेडिटेशन प्रैक्टिकल नहीं है। मेडिटेशन इज द पाथवे बैक टू इनर पीस। जो हमारी वास्तविक नेचर है, जो हमारी वास्तविक स्थिति है, उस तरफ ले जाने के लिए एक रास्ता है। इट इज द रिस्टोरेशन ऑफ लव फॉर योर ओन सेल्फ। अपने आप में वो प्यार हम जागृत करें, वो प्यार के स्वरूप बन जाए। मेडिटेशन इज द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग क्वालिटी थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो क्वालिटी आज हमारी नेगेटिव हो गई है वो क्वालिटी थॉट्स को क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा उपयुक्त साधन है। इट इज रीडिस्कवरिंग दैट प्लेस ऑफ इटर्नल अनचेंजिंग स्टिलनेस विद इन। साथ ही साथ मेडिटेशन इज रीचिंग टू द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस एंड इट इज द बेस्ट वे फॉर एक्सट्रीमली बिजी पीपल टू स्टे कूल, काम एंड फोकस्ड। आज हमारे अंदर इतना धुंधलापन है कि हम अपने अटेंशन को फोकस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए भीतर की शांति रहती नहीं है। तो मेडिटेशन एकमात्र साधन है जो हमारी भीतर की ये सारी क्षमताओं को चैनलाइज करके उसको डायरेक्ट करने में मदद करती है।
और इसीलिए बेनिफिट्स मेडिटेशन के बहुत है, लेकिन वो मेडिटेशन अकेला नहीं, मेडिटेशन विद द स्पिरिचुअल नरिशमेंट। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन? बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि मेडिटेशन इज रिलैक्सिंग। मेडिटेशन रिलैक्सेशन है माइंड का। इट इज अ ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल फ्रीडम, जिससे हम भीतर अपने आप को फ्री कर सके। नहीं तो कई बाह्य परिस्थिति समस्याएं हमको बांध के रखती है और उसी को एक बंधन महसूस करते हैं, जहां हमारी पर्सनल फ्रीडम जैसे गायब हो गई है ऐसा महसूस करते हैं। तो मेडिटेशन हमें ये पर्सनल फ्रीडम का एक्सपीरियंस करने का एक स्पेस देता है, एक समय देता है। साथ ही साथ मेडिटेशन के बेनिफिट और भी ज्यादा है, पावर टू रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस। जो हमारा नेगेटिव रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन के बदले हम पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि कैसे भी विपरीत परिस्थिति या कैसे भी लोग हमारे सामने आ जाए हमको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मेडिटेशन हमें वो एबिलिटी प्रदान करती है कि हम पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर सके। मेडिटेशन का बेनिफिट और भी है, क्रिएटिविटी फॉर मोर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि जब हमारे भीतर की शक्ति फोकस्ड होती है तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और उस क्रिएटिविटी से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर हावी होकर के टेंशन क्रिएट करता है, उसके बदले क्रिएटिव मेथड बताता है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इट गिव्स द क्लैरिटी ऑफ योर ओन पर्सनल पर्पस, गोल्स एंड वैल्यूज। हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे मूल्य और हमारे गोल्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कहां हमें जाना है, क्या हमें करना है, उसके विषय में और क्लियर हम एक समझ देता है। उसके अंदर यह भी एबिलिटी है, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस योर एनर्जी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जब तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, तब तक हम हमारी एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर सकते हैं, वो डाइवर्जन में है। और एक एबिलिटी है कि ग्रेटर सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड दैट इज ऑलवेज ट्राइंग टू ग्रैब योर अटेंशन। मेडिटेशन की एक बहुत बड़ी आर्ट है, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट की आर्ट क्यों कहते हैं? डिटैचमेंट का अर्थ कोई गलत न ले लेवे कि डिटैचमेंट माना हम अपने कार्य व्यवहार से डिटैच हो जाए या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटैच हो जाए, नहीं। लेकिन जैसे अगर मिसाल देवे कि आज हम कुर्सी पर बैठे हैं और मैं पावरफुल हूं, कुर्सी के ऊपर बैठने वाली, कुर्सी मुझे कंट्रोल नहीं कर रही है, मेरा कंट्रोल फॉर कुर्सी पर है। परंतु अगर हम बहुत अटैच हो जाए कुर्सी से और हम डिटैच नहीं हो सकते हैं, उससे अलग नहीं हो सकते हैं, और अगर मुझे अपने स्थान से गेट तक भी जाना है तो कैसे हम जाएंगे? कुर्सी से डिटैच नहीं हो सकते, माना कुर्सी को साथ लेकर जाना पड़ेगा। और जब कुर्सी के साथ हम चलते हैं तो आप सोच सकते हैं हमारा बॉडी पोस्चर क्या हो सकता है, कितनी एनर्जी हमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है, कितना टाइम कंज्यूम हो जाता है, और उस टाइम एनर्जी मेहनत और बॉडी पोस्चर टोटल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम इतना ही ये आर्ट को जान ले कि कुर्सी से डिटैच हो जाए, और अगर कुर्सी को ले भी जाना है गेट तक तो उठा कर ले ले, तो उसमें टाइम भी कम, एनर्जी कम और हमारा बॉडी पोस्चर भी ठीक रहता है। बस यही डिटैचमेंट की बात है कि कुछ समय भी हम अपने आप के लिए निकालें और हमारी जो पर्सनैलिटी है उससे हम अपने आप को डिटैच करें। क्योंकि आज हम अपने ये फिजिकल बॉडी या फिजिकल पर्सनैलिटी से इतने अटैच हो गए हैं
कि वहां तक कि हम अपना पूरा आइडेंटिफिकेशन भी उसी के साथ देने लगे हैं कि यही मैं हूं। जैसे एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उसने बताया कि मैं इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर हूं। फिर उसको पूछा गया कि हमने ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो, हमने पूछा कि आप कौन हो। उसने अपना पूरा बायोडाटा दे दिया। उसको कहा कि शायद आप मेरी बात को समझे नहीं। फिर उसको अलग ढंग से रख करके कहा कि 2 मास के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, आप बिल्कुल चीफ इंजीनियर रहेंगे नहीं, उस समय आप कौन होंगे? तो वो सोच करके बोलता है, एक्स चीफ इंजीनियर। माना आज हमारी पूरी अटेंशन या पूरा आइडेंटिफिकेशन भी उस लेबल्स के साथ जुड़ा हुआ है कि वहां भी हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन माना जो हमारी वास्तविकता है उसमें हम स्थित हो जाए और जो हमने प्राप्त किया है, एक्वायर किया है, कुछ क्षण के लिए भी अपने को उस पर्सनालिटी से डिटैच करें, तो हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारी टोटल जो पोटेंशियल है उसको सही रूप से चैनलाइज कर सकेंगे। तो ये एक बहुत सुंदर कला मेडिटेशन हमें सिखाती है, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। साथ ही साथ द एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड डीपन योर पर्सनल लर्निंग। जो कुछ भी हम सीखते जाते हैं जीवन में उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करना और उसके आधार पर हम अपनी पर्सनल लर्निंग को बढ़ाएं, ये एबिलिटी मेडिटेशन देती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के, जिन बेनिफिट्स के माध्यम से आज कई लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया है और रिसर्च करके यही देखा गया है कि साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों रूप से व्यक्ति को स्टेबल बैलेंस्ड रखता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और एफिशिएंसी बढ़ने के कारण उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है और उसकी क्रिएटिविटी और ज्यादा होती है। तो मेडिटेशन के लिए 4 स्टेजेस है, जो 4 स्टेजेस के माध्यम से हम मेडिटेशन करते हैं। पहली स्टेज है जिसको कहते हैं विथड्रॉइंग द सेल्फ। विथड्रॉ कहां से करना है? जैसे कहा, कोई चीज से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, लेकिन विथड्रॉ करना है फ्रॉम द आउटर बीइंग एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड सिचुएशंस सीन्स। उससे हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए भी अपने अटेंशन को दूर करें, विथड्रॉ कर ले। उसके बाद दूसरी स्टेज है जिसको कहा कॉन्टेम्पलेशन, और कॉन्टेम्पलेशन ऑन द इनर सेल्फ। हमारी वास्तविकता के ऊपर हम अपने मन को एकाग्र करें, फोकस करें, एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एंड एनर्जी। एक शक्ति है जो प्रकाश स्वरूप है एंड रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी वेव्स। ये महसूस करें कि मैं वो शक्ति हूं जो पॉजिटिव हो और पॉजिटिव एनर्जी वेव्स मैं रेडिएट कर रही हूं। उसके बाद तीसरी स्टेज है जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्टेम्पलेशन के बाद आती है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटिंग योर अटेंशन ऑन अ हायर पावर और अ सुप्रीम बीइंग, जहां से एनर्जी मुझे अपने अंदर स्टोर करनी है, जहां से वो रेज ऑफ लाइट अपने में फ्लो होने देना है, एंड एक्सपीरियंस द एनर्जी फ्लोइंग इनटू योर इनर बीइंग। मिसाल के रूप में आज जैसे सूरज के सामने सुबह सुबह के समय में खड़े हो जाएं, 2 मिनट सिर्फ हम देखें उसकी ओर और फिर आंखें बंद कर लें, क्या महसूस होता है? ऐसे लगता है सूरज की किरणें सारे हमारे भीतर पेनेट्रेट हो रही है और सारे बॉडी को भी वार्म्थ दे रही है, गर्माइश दे रही है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपना अटेंशन को उस परम शक्ति की ओर एकाग्र करते हैं, तो वहां से जो एनर्जी फ्लो होती है, वो एनर्जी से हमारे भीतर भी एक रीऑर्गेनाइजेशन आने लगता है।
और वो रीऑर्गेनाइजेशन से हमको पता चलता है कि हाँ, मेरा मेडिटेशन ठीक है. मीन्स द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. भीतर से एक चेंज आने लगता है. पहले वो चेंज नहीं आता था. क्यों? क्योंकि हमारे पास शक्ति नहीं थी. तो मेडिटेशन वो चार्जर है, लेकिन वो चार्जर सोर्स के साथ कनेक्शन बिना चार्ज नहीं कर सकते हैं. तो वो सुप्रीम बीइंग जो फुल ऑफ एनर्जी है, उसके साथ ही जोड़ना पड़ता है. और तब फोर्थ स्टेज आती है, जिसको कहते हैं रियलाइजेशन. रियलाइजेशन मीन्स रिकॉग्नाइज व्हेन द प्रैक्टिस बिकम्स रियल. और उस रियलाइजेशन से जो भी रियलाइज करना चाहते हैं, मानो कभी माइंड अपसेट हो गया, मन की शांति रियलाइज करनी है, कॉन्सेंट्रेट करो उस शांति के सागर में. और महसूस होती है जैसे शांति की किरणें हमारी भीतर की सारी अपसेटनेस जो है उसको मिटा रही है. मानो कभी माइंड डिस्टर्ब हो गया या दुखी हो गए, तो अलाउ दोज रेज टू फ्लो इन टू योर बीइंग. और देखेंगे कि अपने भीतर की जो भावनाएं थी नेगेटिव दुख की, वो डिसॉल्व होने लगती है और आत्मा अपने सुख के स्वरूप का अनुभव कर सकती है. तो इसीलिए ये अभ्यास को जितना बढ़ाएंगे, उतनी ये प्रैक्टिस रियल हो जाएंगे. यही हमारी जीवन बन जाएंगे. यही मेडिटेशन सेल्फ मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करता है, बहुत मददगार होता है. और उसी से हम अपनी लाइफ को रीऑर्गेनाइज्ड जैसा हम चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं. विपरीत परिस्थितियों में भी कोई भी बातें हमें इन्फ्लुएंस नहीं करती है, डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन वी टेक द चार्ज ऑफ आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस, आवर बिहेवियर, आवर थॉट प्रोसेस एंड द एंटायर पर्सनैलिटी. देयर इज अ टोटल चेंज. अच्छा, ओम शांति.